जो जातीय गणना हुई उसमें जो आंकड़े आए और उसके आधार पर जो पिछड़े अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जो आंकड़े प्राप्त हुए जातीय गणना से उसके आधार पर, तो वो सरकार ने यहाँ लागू भी कर दिया, उससे लोगों को लाभ भी मिलने लगा। लेकिन जिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दी और कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया, और कोर्ट ने निरस्त किया है, और कोर्ट ने निरस्त किया इसका अर्थ होता है कि वह कानून ही रद्द हो गया। आज के मतलब तारीख में या आज के समय में वो कानून रद्द किया जा चुका है। इसलिए सरकार ने तत्काल उसी वक्त जो कानूनी विकल्प उपलब्ध थे उसके हिसाब से उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील दायर कर दिया है। और हम लोगों के सरकार का ये स्पष्ट ये सोच है, हम लोगों का मानना है कि गरीबों को ये बढ़ा हुआ जो आरक्षण सीमा है उसके हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो उन लोगों के साथ संपूर्णता में न्याय नहीं हो पाएगा। और ये तो दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, बिहार के सभी लोग जानते हैं कि जातीय गणना किसने कराई है। तो आज यह कहने का कोई जोड़ करे कि हमने कराई है मतलब जातीय गणना का फैसला कौन लेता है, कौन कराता है, तो ये तो बिहार के लोग नहीं समझते हैं क्या? और ये तो वही बात है कि जातीय गणना हो गई और उससे प्राप्त आंकड़े के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई और बिहार सरकार ने लागू भी कर दिया, बिहार के गरीबों को उसका हक मिलने लगा था, लेकिन न्यायालय ने कानून निरस्त कर दिया है। हम लोग उसके खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय गए हैं। और साथ ही हम यह भी बता देना चाहते हैं कि जिसी वक्त ये बिहार विधायिका ने बिहार सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित इस कानून को पास किया, तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिख के इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भी भेज दिया। तो ये सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है, लेकिन आज के तिथि में जब वो कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची की बात कैसे की जा सकती है? और ये बात अभी जो पिछला विधानसभा सत्र था, जो मॉनसून सत्र था, उसमें भी एक हमारे साथी ने, विपक्ष के साथी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया था, तो हमने कहा था, विधानसभा में कहा था, लेकिन हमको आश्चर्य है कि आज भी जो अगर मांग करते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाएगा? आज तो वो कानून ही रद्द है। तो सबसे पहले समझने की ये बात है, और हम लोगों की कार्य योजना ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे हैं, और जब बहाल हो जाएगा मतलब हमारा कानून फिर से जीवित हो जाएगा, तब फिर उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। जिस समय कानून बनाया उस समय भी हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने की बात की, आज तो कानून ही रद्द हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे, चूंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के समय
समय में इस तरह की बात करना, ये तो हम आप ही लोगों से के माध्यम से बिहार के जनता के अदालत में ही बात रख रहे हैं कि ये क्या है, ये गरीब की हमदर्दी है कि हमदर्दी का ढोंग है, ये तो सीधे समझने की बात है। इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं और जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई है ये भी सारे लोग जान रहे हैं कि 2019 में ही, ये 19 में और 20 में, संयोग से उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर ही हम लोग तो 23-24-22 से शुरू हुआ, 22-23-24 में आके जातीय गणना हुई, उसके आंकड़े आए। लेकिन 19 और 20 में विधानसभा में चूंकि आसन पर हम ही थे, मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर बिहार के विधानसभा ने सर्वसम्मत यानी सभी दलों के विधायकों ने उसको अपना समर्थन दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय गणना बिहार में हो। इस संबंध में भी सरकार ने फैसला लिया और हम लोगों ने अपने स्तर से कराया। ये बात सही है कि हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल, सोच और इस निर्णय पर सभी दल सहमत हुए, इसमें हम कोई छिपाना नहीं चाहते, सब दल तो सिर्फ सहमत थे। ये सोच और गरीबों को हक दिलाने की बात की शुरुआत, पहल और निर्णय ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का था। इसमें सब लोगों ने साथ दिया है तो इससे कोई इनकार नहीं करता कि सबने विधानसभा में इसमें समर्थन दिया था, किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन सोच तो नीतीश कुमार की थी, ये परिकल्पना तो नीतीश कुमार की थी। ये भी सब लोगों को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और आप लोग भी इस बात से अवगत हैं कि मैं कोई दिखावटी या काल्पनिक या सत्य से परे कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोग समझ रहे हैं। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि ये जो मुख्यमंत्री ने बढ़ा हुआ आरक्षण सीमा लागू कर दिया, अब सब लोगों को लग रहा है कि अब इस श्रेय लेने में हम कैसे घुस जाए। तो भाई जनता तो सब कुछ देख समझ चुकी है ना, ये इस तरह से उनका अकारण जबरदस्ती श्रेय लेने का प्रयास सफल नहीं होने वाला है, ये उनको समझना चाहिए। एक एक आदमी एक एक क्या स्वर्ण सेना की तरफ से राजधानी पटना में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, क्या अशोक चौधरी पर कार्रवाई होना चाहिए? अरे हम कोई सेना को नहीं जानते हैं, हम लोग सेना उना से कहाँ मतलब है, सेना तो देश की सेना होती है, बाकी सेना को आप इतना तरजीह कह देते हैं? अरे अरे हम कह ले कि हमारी कोई अपनी सेना हो गई तो सेना होती है, सेना सिर्फ देश की होती है। चलिए एक आदमी बोलिए ना, उन्होंने पहले तो ये समझ लीजिए ना, आप क्या सोचते हैं कि ये जातीय गणना किसने कराई? नहीं फिर अगर कोई बोल अगर कोई दूसरा आदमी बोलते हैं जो जातीय गणना हमने कराई, तो ये तो आपके सोचने पर निर्भर करता है ना, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो आप क्या थे, किस हैसियत में आपने ये फैसला किया था? फैसला तो मुख्यमंत्री लेता है, बाकी लोग तो साथ देते हैं। चलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए ना भाई, बोलिए। लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट पे कहा है कि आरएसएस और बीजेपी से कान पकड़वा के ही करवाएंगे आरक्षण वाला। तो वो कहे हैं तो आप न समझिए, आज तक ऐसा कभी कोई कर पाया है ये सब। अच्छा एक चीज हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कोई अगर इस तरह की बात जो आपकी भी समझ में आए कि ये संभव नहीं है, उसको कृपया आप भी तरजीह नहीं दीजिए।